दोस्तों बधाई आप सब लोगों को और इसरो के वैज्ञानिकों को भी। आखिरकार चंद्रयान 3 लैंडिंग में सक्सेसफुल हो ही गया है और भारत बन चुका है दुनिया का वो एकमात्र राष्ट्र। ये रिकॉर्ड भारत के नाम हो चला है जिसमें लिखा हुआ होगा द फर्स्ट कंट्री लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। वो पहला राष्ट्र जिसने चांद के दक्षिणी पोल पर कदम रखा है। अब पूरी दुनिया देख रही है इसरो को, क्योंकि इसरो के पास वो इन्फॉर्मेशन होगी जो दुनिया के किसी भी लोगों के पास अब नहीं होगी, क्योंकि चांद के दक्षिणी पोल पर आज तक कोई भी नहीं गया है। किसी भी देश की हिम्मत चांद के दक्षिणी पोल पर उतरने की नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों चांद की जो दक्षिणी पोल है उस पर पानी होने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों अगर चंद्रयान 3 ने चांद पर पानी ढूंढ लिया तो वो दिन दूर नहीं जब चांद पर भी प्लांट कटने लगेंगे और जो चांद का दक्षिणी पोल है उस पर पूरी तरह से भारत का कब्जा होगा, यानी कि चांद का दक्षिणी पोल पूरा के पूरा भारत का होगा। दोस्तों चांद पर उतरने की जो लैंडिंग का वीडियो था वो लगभग 70 लाख लोगों ने लाइव देखा है। इससे ये पता चलता है कि पूरा भारत चंद्रयान 3 की सफलता की कामना कर रहा था। दोस्तों जैसे ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 पहुंचा, वैज्ञानिकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे खुशी से झूम रहे थे, तालियां बजा रहे थे और आज उन्हीं वैज्ञानिकों की वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो गया है, क्योंकि भारत तो पहला देश बन चुका है जिसने चांद के, जिसको दक्षिणी एरिया कहा जाता है, वहां पर कदम रख दिया है। वैसे तो पूरी दुनिया में चांद के कई सारे मिशन बहुत सारी कंट्रियों ने किए हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान और भी बहुत सारी कंट्रियों ने चांद पर कदम रखा है, लेकिन किसी ने भी चांद के दक्षिण पोल पर उतरने की कोशिश भी नहीं की है। क्योंकि दोस्तों वो चांद का जो दक्षिण पोल है इतना खतरनाक और इतना भयानक है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिल सकता है। अब आगे देखते हैं कि चंद्रयान 3 वहाँ से कैसी कैसी नई नई फोटो भेजता है जो हमें और पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और बहुत सारी चांद की इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।